कहा गया मनीष तिवारी जी के द्वारा कि अनुच्छेद तीन में कहीं पर भी यूटी का प्रावधान नहीं है। अब मैं मान्यवर कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बहुत बड़ी बात मान्य सदस्य ने करी है। मैं अनुच्छेद तीन इस सदन में पढ़ना चाहता हूं। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ये अनुच्छेद का मूल चीज है। इसके अंदर आगे क, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करने अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण देश की संसद कर पाएगी। अब इन्होंने कहा यूटी नहीं है, यूटी का इसमें प्रोविजन नहीं है, मगर शायद उन्होंने पूरा पढ़ा नहीं या जानबूझकर आगे उन्होंने सदन को बताया नहीं। इसी के नीचे आर्टिकल 3 के नीचे ही स्पष्टीकरण है, इस अनुच्छेद के खंड क से ड में जिसमें सारी चीजें आता है, राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र समाहित है, तो वहां पर राज्य मींस संघ राज्य क्षेत्र अपने आप हो जाता है। तो ये इनको मैं मनीष जी को थोड़ा स्पष्टता करना चाहता हूं कि इतना बड़ा गैरकानूनी काम कम से कम नरेंद्र मोदी सरकार नहीं कर सकती, ये कोई इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है जो इस प्रकार के कानून लेकर आए। भाई अभी बहस नहीं हो सकती, बाद में मैं आपको सवाल, मैं बाद में आपको मौका दूंगा क्वेश्चन पूछने का, अभी बैठ जाइए। मैं बाद में आपको नहीं नहीं मगर प्रश्न देखिए मनीष जी, मैं प्रश्न ले सकता हूं, मैं महोदय को अभी कहता हूं, बाद में मनीष जी का प्रश्न। चलो ये भी नियमों के अंदर है। मान्यवर बाद में उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 3 के परंतु को निलंबित करके राष्ट्रपति शासन डाला क्योंकि ये प्री डिजाइन था। मान्यवर मेरे पास लिस्ट है, आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 1973 में डाला, हम नहीं थे, कांग्रेस की सरकार थी, परंतु निलंबित किया गया था। अरुणाचल में डाला गया परंतु निलंबित, 81 में आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार परंतु निलंबित किया था, 1990 में परंतु नियमित किया था, बिहार 1969 कांग्रेस सरकार परंतु निलंबित किया था, 72 परंतु निलंबित किया था, 1977 परंतु निलंबित किया था, 69 बिहार, फिर गोवा 1990 परंतु निलंबित था, 1990 परंतु, मेरे पास लगभग 27 राज्यों के 70 से ज्यादा है, एक में भी वो परंतु निलंबित करे बगैर राष्ट्रपति शासन नहीं डाला गया है। एक मिनट मानिए, ऐसे टाइम तो मैं दूंगा ना प्लीज। मान्यवर मैंने कहा उनको मैं जवाब सवाल पूछने दूंगा, वो क्यों इतने विचलित हो रहे हैं। के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन की लैंग्वेज अलग है, मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूं, मैं अभी पढ़ के सुनाता हूं, मैं अभी पढ़ के सुनाता हूं। इस पर बहस ही नहीं है, लैंग्वेज क्या है, इस बहस इस पर है कि अनुच्छेद 3 के परंतु को जिसमें असेंबली का पावर यहां पर आता है उसको निलंबित किया गया है या नहीं, एक लिमिटेड क्वेश्चन पर हम है, कहां है बात ही खड़ी होती है। माननीय अध्यक्ष जी मुझे संरक्षण दीजिए, ऐसे नहीं हो सकता बिल का जवाब। नो माननीय गृहमंत्री जी, आपका रिकॉर्ड भी नहीं जा रहा है इससे। माननीय गृहमंत्री जी, मान्यवर आप प्लीज मुझे व्यवस्था दीजिए, ऐसे बिल का जवाब नहीं दिया जा सकता, ऐसे महत्वपूर्ण बिल का। एक 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 मिनट, नो माननीय, मैंने आपको कहा आपको सवाल पूछने का मौका दूंगा, प्लीज माननीय गृह मंत्री जी।
आप प्लीज प्लीज नो माननीय राम कृपाल जी प्लीज माननीय मनीष तिवारी जी प्लीज।